अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के अज्ञाना भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तभी हकीकत में अगर देखा जाए ना, भगवद गीता भक्तों के लिए, क्योंकि भगवान ने जो अंत में कहा है वो कहा है कि जो भक्तों के बीच में जो भगवद गीता सुनाता है, कौन? जो भक्तों के बीच में भगवद गीता सुनाता है। और बड़ी अजीब है बात, जिसने जिज्ञासा की वो भक्त हो गया, जिसने अध्यात्म की जिज्ञासा करी भक्ति शुरुआत हो गई। 99.9% लोग अध्यात्म की जिज्ञासा ही नहीं करते, अर्थात किस चीज की जिज्ञासा नहीं करते कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है जीवन का उद्देश्य, मनुष्य नाम सह श्रेषु कस चीज यतति सिद्धये। लाइफ स्टार्ट्स विद इंक्वायरी, डेथ इज द एंड ऑफ इंक्वायरी। लाइफ मीन्स इंक्वायरी, नो इंक्वायरी मीन्स डेथ। जिज्ञासा ही जीवन है, जिज्ञासा ना होना मृत्यु है। परंतु किस चीज की जिज्ञासा, जानने योग्य क्या है, यही यहाँ भगवद गीता में भगवान हमें समझा रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। मैं, भगवान कहते हैं मैं ही जानने योग्य, वेदेश्य च सर्वरेव वेदांत कृत वेदाविदेव। क्या कहा इसमें कि वेदों के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा किसको जानना है, मुझे जानना है। भगवान कह रहे हैं बात क्लियरली, तो क्लियर है कि यू हैव टू नो मी By knowledge, all knowledge is to know me. समस्त ज्ञान जो है वो मुझे जानने के लिए है। पर तो हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी? आप भी जान रहे हो, जो भौतिकवादी हैं व्यक्ति हैं, वो भी भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति को जानते हैं, सिर्फ बहिरंगा शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो कौन सी शक्ति कहलाती है, परा या अपरा? अपरा शक्ति, वो अपरा शक्ति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी भगवान के ध्यान रखना। क्योंकि प्रभु जी क्या वेदों के ज्ञान के बाहर भगवान के बाहर कोई चीज है ही नहीं, भगवान के बाहर कोई चीज है ही नहीं। समझ में आया आपके? भगवान के बाहर कोई चीज नहीं है, इज नथिंग आउटसाइड गॉड कृष्णा। जिज्ञासा तो कर रहे हैं, परंतु यहां क्या क्या पूर्ण ज्ञान, क्या प्रभु जी पूर्ण ज्ञान। बहिरंगा शक्ति को तो उतना जानो कि कैसे फंसा रखा है, कैसे फंसा रखा है हमें, समझ में आया? बस ये जानना है कि कैसे फंसाया हुआ है हमें। भगवान ने भी इतना ही समझाया है भगवद गीता के अंदर कि जान कैसे फंसा हुआ है, और सबसे बड़ा दुश्मन बताई दिया क्या है, मन, अपने मन की करनी बस, कल फंसा रहे शरण में नहीं आने देता मन, कोई नहीं आना चाहता शरण में। भिखारी को नौकरी ऑफर करो, देखो मना कर देगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। क्या प्रभु जी समझ में आया? ट्राई किया कभी ना डोकरा? मैंने देखा है, आ जा। अरे हाँ देखा, कुछ नहीं है उसके पास, उसके पास कुछ नहीं है, परंतु मन नहीं आने देता शरण में, नहीं आने देगा। और मन को काबू करने का एक ही तरीका है, गुरु शरणागत होना। शास्त्र शरणागत नहीं, सॉरी, भक्ति कैसे शुरू होती है? गुरु पदाश्रय, शास्त्र पदाश्रय या गुरु पदाश्रय, बताना मुझे। गुरु पदाश्रय से बचपन से क्या सुनते थे, गुरु बिना गति नहीं या शास्त्र बिना गति नहीं,